दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हम आपको जो तस्वीर अभी दिखा रहे हैं ये कोई नई तस्वीर नहीं है, ये दो तीन दिन पहले की पुरानी तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर के साथ ही मुद्दा बिहार में गर्माता जा रहा है, या यूं कहे यह तस्वीर अभी हॉट ट्रेंड बन चुकी है बिहार में। चुनाव के जो बिसात बिछाए जा रहे हैं अभी भी, क्योंकि 2020 तो चला गया, चुनाव हो गए, चुनाव के परिणाम भी आ गए, 6 महीने से मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन सिर्फ यह एक तस्वीर ही नहीं बिहार का मुद्दा बना हुआ है, एक और जो ट्वीट आया है बीजेपी के MLC वह भी काफ़ी सुर्खियों में है। देखिए, इस तस्वीर के बाद एक और मीटिंग जो आज बुलाए हैं मांझी जी, उसका भी सब चीज़ आपको जाहिर हो रहा है। देखिए, हम उस तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कैसे मांझी जी मीटिंग किए थे उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ, अपने सारे जो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, उन सब से मीटिंग की और क्या कुछ निर्देश दिया वो तो अभी गुप्त है। इसके बारे में क्या कुछ कहा ना अभी मुश्किल है कि क्या आपने जो पार्टी के जो और पदाधिकारी उनसे क्या बात की है, वो काफ़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बवाल तो इस ट्वीट से मचा हुआ है। देखिए, हम इस ट्वीट में दिखा रहे हैं एबीपी बिहार बीजेपी MLC का बड़ा बयान। शहाबुद्दीन ने कही थी सही बात, नीतीश कुमार सचमुच के हैं परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, ऐसा ट्वीट किया गया है। किसके द्वारा वो अभी आप देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, तस्वीर में आपको दिख रहा होगा बीजेपी के जो MLC हैं उन्होंने RJD को टैग करते हुए लिखा है। देखिए, आपको हम पूरे का पूरा एक लाइन में आपको हम बता रहे हैं क्या उन्होंने लिखा है। बीजेपी के जो MLC हैं उन्होंने कहा है, मैंने जो कहा वही सच हो रहा है। इस बार के हुए विधानसभा में लगातार जो जीत RJD जीत चुकी थी उसको देखते हुए यह काम किया गया है। यह ट्वीट टुन्ना जी पांडे जी MLC का है, जो इसने कहा, मैंने जो कुछ कहा सच ही कहा। इस बारे में बिहार विधानसभा चुनाव में भी जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में राज कर रहे हैं। तो देखिए, RJD को इन्होंने भी ट्वीट किया है, उस पर ABP बिहार ने बड़ा बयान कहा है। बीजेपी MLC का बड़ा बयान, शहाबुद्दीन ने कही थी सही बात, नीतीश कुमार सचमुच परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उस ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, हम आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहे हैं। यह बयान आप तक भी पहुंच ही जा रहा होगा, संजय जायसवाल MPG, ऐसा बयान अगर किसी जदयू नेता ने भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक क्या हो जाता, आप समझ सकते हैं। उन्होंने इस ट्वीट में वो जो ट्वीट किए थे टुन्ना जी पांडे जी, उनका जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। तो देखिए क्या बिहार में हो रहा है, नया जो मामला गरमाया हुआ है वो सही है या गलत, क्योंकि हाल में ही जीतन राम मांझी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देव जी की शादी का 48वीं सालगिरह के लिए शुभकामनाएं दी थी। उसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि जे बिहार में कहीं सत्ता परिवर्तन तो नहीं हो रहा। लेकिन जिसके लिए जीतन राम मांझी पिछले दिनों पंचायत चुनाव की जो चर्चा किए थे, उस पर नीतीश कुमार के कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो फैसला लिया, उस पर जीतन राम मांझी ने धन्यवाद व्यक्त किया है। परामर्श समितियों में वर्तमान पंचायत सदस्य के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, इसमें गांव का विकास होगा। तो इस प्रकार का न्यूज़ आप देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।